वीडियो में हम बताने वाले हैं, जब हम MX प्लेयर पर कोई वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो वॉच करते हैं, तो वो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है या फिर कुछ टाइम के बाद MX प्लेयर नहीं चलता है, ऑटोमेटिकली ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम हमें देता है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स किया जाए, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए, MX प्लेयर में दिक्कतें काफ़ी सारे लोगों को आती है, खास करके उन डिवाइस में आती है जो लो इन डिवाइस है या फिर जो लोगों के डिवाइस काफ़ी पुराने हैं या फिर नए डिवाइस में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको फिक्स करने के लिए कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले काम आप करेंगे, अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा। बेसिकली देखिए, सेटिंग अलग अलग फ़ोन की अलग अलग होती है, बट सेम तरीके से मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके सामने सेटिंग ओपन होने के बाद किसी किसी फ़ोन में ऐप्स नोटिफिकेशन आता है, किसी फ़ोन में ऐप्स मैनेजर आता है, किसी फ़ोन में एप्लीकेशन आता है, उस ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमें ऐप्स एंड नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस कर दिया है। उसके बाद आपके फ़ोन में जो जो एप्लीकेशन है वो सभी यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है MX प्लेयर को फाइंड करना है, ढूंढना है। MX प्लेयर को यहाँ पर हम सर्च करेंगे। देखिए, यहाँ पर MX प्लेयर है, उसको ऊपर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर ऐप इन्फो आ जाता है MX प्लेयर का। देन हमें स्टोरेज और कैचे के बटन पर चले जाना है एंड यहाँ से सबसे पहले क्लियर स्टोरेज के बटन पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ से कैचे भी हटा देना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप करोगे, आपका जो पहला काम है वो हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अभी भी ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, उस केस में जो है आपको अपने प्ले स्टोर को भी एक बार ओपन करके चेक कर लेना है, यहाँ पर कोई MX प्लेयर का आपको अपडेट वगैरह दिखाता है क्या। अगर आपको यहाँ पर कोई अपडेट दिखा रहा है तो आप इसे अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी समय तक हम अगर अपडेट ना करवाएं तो भी MX प्लेयर में दिक्कतें प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। तो ज़रूर MX प्लेयर को अपडेट करवा लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा एक बार जो है अपने फ़ोन को रिस्टार्ट भी ज़रूर कर दीजिएगा। जब भी आप MX प्लेयर को चलाना है, वीडियो वगैरह मूवी वगैरह आप उसमें देखना चाहते हैं, तो एक बार MX प्लेयर को चलाने से पहले अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिएगा, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।